नारियल की चटनी जितनी देखने में यम्मी हो लगती है और उतनी ही हेल्थी भी होती है। ये देखिए कितनी यम्मी नारियल की चटनी बनके रेडी हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे कच्चा नारियल था मेरे पास थोड़ा सा रखा हुआ, और मैंने इसमें सूखा नारियल ऐड कर लिया है। तो मैं इन दोनों को ही मैंने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो लिया है, जो कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। कच्चा नारियल तो इजीली पिस जाएगा, लेकिन जो सूखा नारियल है उसे हमें थोड़ा सा भिगोना पड़ेगा, तभी ये पिस पिस पिसेगा। और ये देखिए बिल्कुल एक पेस्ट बनाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। जो सूखा नारियल है और जो कच्चा नारियल है मैंने कहते बड़े बड़े पीसेस में कट करके उसको ऐड कर लिया उसके अंदर। फ्रेंड्स, ये साउथ इंडियन डिश के साथ तो ये इतनी यम्मी लगती है, डोसा इडली, आप किसी के साथ भी इसको इंजॉय कीजिए। सांभर ना भी हो, इडली चटनी के साथ ही, नारियल की चटनी के साथ ही इजीली आराम से खाया जाता है। और इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, वही पानी जिसमें मैंने इसमें डिप किया था, और थोड़ा सा नमक, और मैंने यहाँ पे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर लिया है। और मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, इसका एक पतला पेस्ट बना लें। अगर थोड़ा पानी की अगर कम लगे, नहीं पिस रहा है, तो थोड़ा पानी और ऐड कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे मैंने पैन में ना तड़का तैयार कर लिया है। 2 चम्मच ऑयल डाल के इसमें सरसों सीड्स और लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च इसमें ऐड कर ली, और आप करी लीव भी इसमें ऐड कर लीजिए। और मैंने 2 चम्मच इसको अलग से निकाल लिया है तड़का, और बाकी मैं इस जो नारियल का पेस्ट है वो इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और बस इसको अच्छे से चला लेंगे। इसके साथ आप जितना थिक पसंद करते हैं, अगर ज़्यादा थिक पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, अगर लगता है नहीं थोड़ी सी पतली चाहिए आपको तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा जो मिक्सर में पेस्ट लगा हुआ था नारियल का, बस उसी में ही पानी ऐड करके इसमें ऐड कर लिया। फ्रेंड्स प्लीज़, जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से घुमा लिया है। अब मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैंने नमक ऐड कर लिया थोड़ा हल्का सा। और इसमें मैंने ऐड किया है आमचूर पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कीजिए आमचूर पाउडर डाल के, इसका थोड़ा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए मैंने तड़का जब बनाया था तब मैंने गैस ऑन की थी, उसके बाद मैंने बंद कर दिया और नारियल ऐड किया। उसके बाद जब पानी वगैरह सब ऐड कर लिया मैंने, उसके बाद मैंने गैस ऑन की है। इसी तरीके से आप बनाइए, बहुत यम्मी और टेस्टी बनके रेडी होगी। ये देखिए मैं सर्व कर लेती हूँ, मैंने बाउल में निकाल लिया, और इसमें जो 2 चम्मच मैंने तड़का निकाला था ना वो इसमें ऐड कर लेना है। ये देखिए कितनी यम्मी बनके रेडी है। आप बड़ा के साथ इसको बनाएं, इडली के साथ बनाएं, सांभर के साथ बनाएं, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्थी नारियल की चटनी बनके रेडी है। फ्रेंड्स इस तरीके से बनाइए, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनेगी, हेल्थी भी है और टेस्टी भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।